क्योंकि टाइम्स नाउ की अपनी एक प्रतिष्ठा है। अच्छा अच्छा, हमें तो नहीं पता था क्योंकि टाइम्स नाउ की अपनी अपनी प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा है। पीछे बाहर भी कोई तो भी आउटरेज होके हॉर्न मारने लगा इसी मोमेंट में क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है। I just want to hold Navika's face and say stop trying to make cool happen, it's not going to happen। जनप्रतिनिधि वाला ये रिश्ता क्या कहलाता है, किसी और ही अनुभूति का। I just thought he would actually start singing right now। ये रिश्ता क्या कहलाता है। कैसे कैसा लगता है न हम इस्लाम कैसा लगता है कैसा लगता है कैसा लगता है आपको डॉक्टर मिर्जा? वेट आपको आपको कम्युनिस्ट बोला जाता है, कैसा लगता है आपको? लाल सलाम। In his head कि वो कुछ भी पे लेंगे तो लाइक लोग ले लेंगे। इट्स बेसिकली सबका क्रिटिकल थिंकिंग का एबिलिटी खत्म कर दिया गया है, राइट? ये ध्रुव राठी जो वीडियो पे वीडियो बना रहा है ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को समझो, इट इज दैट ओनली कि भैया थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। फ्रेंड्स, दिस मैन एट दिस पॉइंट इज लिविंग इन अ पैरेलल यूनिवर्स। लाइक इतना एक्सट्रीम यू नो डिसोनेंस हो गया ना दिमाग में कि ही इज लिविंग इन सम आई डोंट नो लाला लैंड where whatever he says Momoland. Yeah, Momoland. Not racist. No, more than Modi, bro. What Momoland? Not racist. Hello nerd friends, welcome to another Make Nerd Reacts. Today we are reacting to Shri Sir Adarniya Modi ji Maximum Authority Minimum Responsibilities interview with this amazing towering personality called Navika Kumar of Times Now and Blackboard Sinha, Sushant Sinha of also Times Now Bharat. If you get it. And we are going to have some fun. So without further ado, let me introduce our guest for the second time on this channel, Dr. Medusa. Hello, hello, hello. You're now becoming my fellow reactionary, I realize. I love that name, fellow reactionary. मेरे को बहुत अच्छा लगता है। Yes. और जैसे मेरे वो होते हैं ना notes के notes होते हैं, which I have not sent to you today this time because I don't want to expose. Yes. We are learning how to react myself. amazing. First, we are going to look at not the interview but Times Now. Before the interview, did an entire build up to the interview, which is nuts. So we're gonna watch some of it, right? And this is going to be completely impromptu mode for me because I have not seen any of this build up. I just was able to bring myself ki apne aap ko main ekdam control karke bas wo ek डेढ़ घंटे wala interview dekh lu, bas mere liye utna kafi tha. But now you are going to subject me to this torture. So yeah, fine. I'll not be responsible for what I say, okay? Yeah. EVM mein Modi ka चिप है और जिस तरह से सुशांत ने कहा एक रेंज ऑफ इमोशंस है और बेबाक तरीके से कोई गार्ड नहीं किया गया, कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन जैसे एक होता है ना कि लोग समझते हैं कि अरे प्रधानमंत्री का इंटरव्यू है, ऑर्केस्ट्रेटेड होगा, कैलिब्रेटेड होगा, वैसा नहीं है, कैंडिड है बिल्कुल, जिस पर स्पॉन्टेनियस नो फिल्टर, अगर आप उसको आजकल की भाषा में कहें तो नो फिल्टर एंड इसमें आपको मैं ये कह सकता हूँ कि अगर अगले महीने आपको ये दिखे कि लाइक बेसिकली उसने I just want to hold Navika's face and say stop trying to make cool happen. It's not going to happen. it's not. Like she said, it's not. The mean girl gone around. It's not orchestrated, okay? Like उसने पहले ही बोल दिया, मतलब इंटरव्यू लॉन्च करने से पहले ही बोल दिया कि लोगों का ये रिएक्शन आएगा, तो बोल ही देते ना शुरुआत में ही बोल देते, स्टूडियो में घूम घूम के बोल रही है वो कि गाइज ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं है, ओके नहीं है। उसमें बर्नौल की बिक्री से जो जीएसटी कलेक्शन
हुआ है उसका भी योगदान हो सकता है इस इंटरव्यू को देखने के बाद। राहुल सवाल पूछ, आइए राहुल सामने आइए, राहुल ब्राइट यंग कॉलीग वापस आ गए नाविका जी, सुशांत जी इंटरव्यू, क्या आप, क्या सवाल था जो आप चाहते थे कि पूछा जाए? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से अपोजिशन का एक नैरेटिव है, कॉमन सी चीज है कि मोदी आएंगे तो संविधान बदल देंगे, तो इस पे मोदी जी से कुछ सवाल पूछा? बड़ा लंबा चौड़ा इस पर डिस्कशन है और ये डिस्कशन देखने लायक है। राहुल आप तो कम से कम फ्रंट रो में अपनी सीट बुक कर लीजिएगा क्योंकि इस पर लंबी कॉन्वर्सेशन है, चर्चा है और हमने ये सवाल भी पूछा और इसका फिर कहूंगी कि बेबाक तरीके से। इस नैरेटिव पे नहीं राहुल, हमने जितने नैरेटिव चल रहे हैं कि संविधान जो है वो खत्म हो जाएगा, अब इलेक्शन नहीं होगा, मुसलमान जो है वो खतरे में है, ये सारी चीजें जितने सवाल है सुशांत जी से कि जिस तरीके से केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं तो क्या ये पूछने की कोशिश करी? नहीं, ये पूछने की कोशिश करी कि 400 सीटें मिल गई तो क्या आप संविधान में कुछ ऐसी चीजें आप ला सकते हैं कि सीस मेल की वजह आप जेल से आप सरकार नहीं चला पाओगे? लुक एट द लाफ, ओके, लाइक व्हेन ही आस्क्ड दिस। 100 दिन का प्लान हमने जरूर उनसे पूछा था और वो 100 दिन के प्लान में क्या क्या उन्होंने कहा जानिएगा जब आप इंटरव्यू देखिएगा। जस्ट स्पॉइलर अलर्ट, कुछ नहीं कहा कुछ नहीं कहा वो 100 दिन के प्लान वाले क्वेश्चन में। ऑल्सो 100 दिन का प्लान वाला क्वेश्चन वॉज डन बाय स्मिता प्रकाश ऑल्सो। उस टाइम पे तो यू सेड आचार संहिता चल रही है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, एंड नाउ यू डोंट हैव टू नो, यू डोंट वरी अबाउट आचार संहिता। इट वॉज वेरी वैक्यूअस, बहुत वेग उनका आंसर था, बट ही स्टिल गेव लाइक वट एवर बकवास ही सेड, लाइक यू गाइस कैन लुक एट द सेक्शन इटसेल्फ। ये लोग ना लिजिट फैन बॉय फैन गर्ल मोमेंट्स इनका हो रहा है। नोबडी इज अ जर्नलिस्ट इन दिस इंटरव्यू, नोबडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन। भाई साहब मेरे को ना इनको, ये पाठशाला चलाता है ना गधा, इसको बिठा के मुझे बोलने का मन कर रहा है, भाई तेरे को पता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? तेरे को पता है क्वेश्चन किस सेंटेंस में पूछा जाता है या किस सेंस में पूछा जाता है? तेरे को पता है अगर ये शब्द आपने यूज किया तो उसको लीडिंग दी जैसे कोर्ट में अगर वो खड़ा होता वकील होता तो लोग तो जज ऑब्जेक्शन लगाता, यू आर लीडिंग द विटनेस, यू आर लिटरली यू आर लीडिंग द विटनेस, यू आर लीडिंग द इंटरव्यू, लीडिंग, यू आर गिविंग द पर्सन अ वे टू आंसर द क्वेश्चन इन सच अ वे दैट उसका कोई और उसमें आगे फॉलो अप क्वेश्चन करने की तुमको जरूरत ना पड़े। भैया फैन गर्ल फैन बॉय मोमेंट का ऑटोग्राफ लेके सब घर पे बैठ जाते, पूजा कर लेते, इंटरव्यू करने की क्या जरूरत थी? गधे हो गया, मैंने बोला था भाई आई विल नॉट बी रिस्पांसिबल, निकल गया दिस वाज एन एपेटाइजर। ना ना आई जस्ट सेड गधा, आई डिड नॉट से व्हाट आई रियली वांट टू से। ये आई थॉट दिस इज अ ग्रेट एपेटाइजर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज द इंटरव्यू। सो दैट वाज जस्ट एन एपेटाइजर फॉर डॉक्टर मेड्यूसा, बिकॉज़ मुझे लगा कि ऐसे ना थोड़ी सी भड़ास निकल जाएगी पहले ही फॉर द मेन इवेंट। सो ऑडियंस को भी यही बोलना था कि देखो यू डिडंट सी दैट ट्रिगरिंग शिट, आई डिड। Also, Abhi, whatever is there on your screen, look at it. Unseen emotional side of Modi. Unseen भाई, by who? भाई, by who? भाई तुम टिकर बस देखो इसमें, मतलब इतने पप्पी टिकर है ना सबके सब। every single year, every single election, every single random महापंचायत election also. Yeah. You see this? Yeah. Unseen by who? Unseen emotional side of Modi. And friends, audiences, Dr. Medusa, you've already seen this, but there are two moments, not one, two, when Modi ji cries. Okay, so let us watch. Yeah. We will start from the first time code. Okay, I'm starting this. और सर आप कैसे हैं? केम छो। लेकिन अब आधा साइड कब हो गई? क्या बोला था? No, don't go back. Let me just tell you. Navika says, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ हमारा इंटरव्यू यशस्वी। My objection is, why did you not add परम प्रतापी महान whatever entire political science के ज्ञाता यशस्वी, and then you should have had added यशस्वी. Why did you not add all of these other adjectives to यशस्वी? That is my problem. Dr. Medusa, you need Navika to practice better when taking the name of Shri Sir, Adarniya Supreme Leader, Maximum Authority, Minimum Responsibility, Adarniya Modi Ji, the first. Yes. So, the first. देख मैंने कितना प्रैक्टिस किया है, देख मैंने कितना ऑलरेडी प्रैक्टिस कर करके मैंने फिर ऐसे ऐसे मुंह से ऐसे निकलना चाहिए। You need to practice and so does Navika on this front. Yes. Because there is no Tejasvi, there is no Yashasvi, there is no Param Pratapi, there is no Mahagyani, Mahaguni, etc. All of Hriday these Samrat. Things I have to. Hriday Samrat. Hindu Hriday Samrat. All the Samrats. Hriday Samrat. Yes. Bharat ke Saput. All of this. Yes. I have to. You since
since you have an English one, I have to make up a Hindi one now. Correct. This is my project. Correct. My project. मैंने कहा देखिए भाई, न मैं यहाँ आया हूँ, न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, ऐसा मैंने 2014 में कहा था। लेकिन आज 10 साल के बाद मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूँ कि उस समय मैंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, आज मुझे लगता है कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। पॉज फॉर इफेक्ट। यहाँ पे वो हमको म्यूजिक डालना पड़ेगा। मैं करेगा नहीं, म्यूजिक वो डालना, कुछ कुछ होता है। कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं चाहिए। ओह शिट यार, एडिट एडिट यहाँ पे एडिट डाल रहा हूँ मैं, रुक रुक एडिट। आज मुझे लगता है कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। पॉज फॉर इफेक्ट। Ma Ganga, because he talks about Ma Ganga, and then he obviously for the next probably 5 to 7 minutes he keeps talking about Ma Ganga and how his Kashi has given him so much, the people of Kashi have given him so much, and so on and so forth. And we all know, bahut pyar diya hai. We all know that the Clean Ganga project was one of the biggest projects, or one of the first projects that was undertaken by the Modi government back in 2014. Pehli baat to ye ki what they do is they try and capitalize on everything that is religious in this country. ठीक है, नदियों को भी हमारे देश में एक रिलीजियस धार्मिक एक सेंक्शन दिया जाता है, धार्मिक एक स्टेटस दिया जाता है, और उसके चक्कर में उन्होंने ये किया। बट नाउ दिस इज अ साइड नोट एंड इट इज फनी बिकॉज आई एम फ्रॉम असम। असम में वी हैव द ब्रह्मपुत्र, राइट? ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द ओनली रिवर्स इन द कंट्री जिसकी पूजा नहीं होती, ठीक है? बिकॉज द ब्रह्मपुत्र इज कंसिडर्ड अ मेल गॉड, मेल नदी। नदियां यूजुअली गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, ऑल ऑफ देम आर, नर्मदा है, ऑल ऑफ देम आर फीमेल नदीज, बट द ब्रह्मपुत्र इज अ मेल नदी, और मेल नदी की पूजा नहीं होती। लाइक Nobody stands on the Brahmaputra and does the पानी जल चढ़ाने वाला, या वो सब नहीं करते। स्पेशली असम में नदियों के पूजने का कोई कॉन्सेप्ट, कोई कल्चर नहीं है, ठीक है? So then when they started the Namami Brahmaputra thing, it was a huge failure, first of all, because पहली बात तो है कि जब Namami Brahmaputra का they had this huge, you know, वो करते हैं ना, ये function करते हैं और बड़ा सा fest type का करते हैं, music है, ये है, वो है, this है, that है, there was a theme song, there was a launch of the Namami Brahmaputra campaign, all of that thingy happened, absolute jack shit happened, nothing happened, kyunki comparatively Brahmaputra is still cleaner than the other rivers of the country, comparatively. I'm not saying it's completely clean, but at least in Guwahati and in certain areas Brahmaputra is still cleaner. Theek hai, Namami Gange ke sath kya hua, 20,000 crore rupees se wo project shuru hua tha. It kept drinking money. It was as if ki aap paisa leke usme sirf dal de rahe ho, Ganga mein baha rahe ho, 2018 tak bas baha de rahe ho, 2018 tak, 2019 तक, there is a report that नमामि गंगे का जो टीम बनी थी, जो कमिटी बनी थी, वो 5 साल में एक बार भी वो बैठी नहीं, एक बार there was not a single meeting conducted. What happened to the money which was poured in, which was allocated to the नमामि गंगे project? Nobody knows. There is a report by the CAG, the Comptroller Auditor General, which disclosed that a level of pollutants in the river across Uttar Pradesh, Bihar and Bengal was 6 to 334 times higher than the prescribed levels during the period of 2016 to 17. This increased in 2021 mein Ganga is the most polluted river in the entire country, and 71% Ganga monitoring stations hain bahut sari jagahon mein, pure Ganga ji ke tat pe 71% monitoring stations mein fecal matter in the river is so much that it is not palpable, it's not drinkable, it's not washable, it's not used good for anything. Fecal matter itna zyada hai, theek hai, itni gandi hai Ganga. So you are talking about Ganga ji ne aapko bulaya hai, you are talking about Ganga ji ne aapko god diya hai, all of these are vague emotional appeals when you on ground or in reality have not done anything. You have done jack shit for the river, which is so important culturally, so important geographically, so important even demographically to this country. Aapne kuch nahi kiya. No, but how dare you take Ganga ji ka name apne muh se? One very iconic image that has come up in these last 10 years is when I think Emmanuel Macron came to India and he usko Ganga pe, you know, he went on a boat ride or something, and there was this picture of like essentially like there were like a lot of posters of the French president and Modi ji shaking hands and being all nice. Ek picture aaya tha jo peeche se someone took a picture of behind the poster.
पोस्टर एक नाले को छुपाने के लिए वो लगाया गया था. एंड इट वॉज आई पुट अप द पिक्चर व्हाइल आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. इट्स क्रेजी हाउ यू नो आई वॉज लाइक दिस इज लाइक मोदी गवर्नमेंट इन लाइक अ वन पिक्चर विच इज तुम्हारी गंदगी तो बह रही है उसका कुछ नहीं किया और उसको ढक दिया उसको बेसिकली एक पोस्टर चिपका के ढक दिया एंड बाहर के लोगों को दिखा रहे हो देखो कितना अच्छा है हमारा सब कुछ कितना अच्छा है कितना बढ़िया है. दिस इज अगेन द सेम थिंग दे डिड इन G20 विच इज अलोंग द रोड फ्रॉम द एयरपोर्ट टिल द वेन्यू. वहां पे बीच में देयर इज लाइक अ वेरी टाइनी पोर्शन एक्चुअली जहां पे इट्स नॉट अ स्लम इट्स जस्ट सम कच्चा हाउसेस कच्चा भी नहीं बोल सकते एक्चुअली पक्का हाउसेस बट थोड़े से ब्रोकन डाउन दिखते हैं राइट. लगा दिया चिपका दिया ग्रीन कलर वाला. या इवन व्हेन ट्रंप जब आया था तब भी तो पूरा गुजरात में कितनी बड़ी वॉल खड़ी कर दी थी. ट्रंप वॉल बना रहा है या इधर वॉल बना रहा है ओवरनाइट इन लोग को कुछ नहीं होता ये लोग हेलीकॉप्टर में उड़ के चले जाते. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग यू हैव एक्टिवली हर्ट द लिवर एंड यू हैव नॉट डन एनीथिंग टू प्रोटेक्ट इट आल्सो. 10 साल बीत गए काशी से इतना नाता जुड़ गया. नमस्कार. कभी भी बोलता हूँ तो यही कहता हूँ मेरी काशी और इसलिए एक माँ बेटे का जैसा रिश्ता नाविका प्रॉम्प्ट वो रिश्ता नाविका प्रॉम्प्ट मेरी काशी के साथ एक माँ बेटे का जैसा रिश्ता वो रिश्ता मैं मेरी काशी के साथ. इट्स लाइक माँ बेटे के साथ मोदी जी पॉज इज लुकिंग फॉरवर्ड वहां से रिश्ता हाँ वो रिश्ता. नामांकन भी भरेंगे लोगों से आशीर्वाद भी मांगेंगे और लोग आशीर्वाद देंगे भी. लेकिन ये रिश्ता जनप्रतिनिधि वाला नहीं. ये रिश्ता क्या कहलाता ये रिश्ता है किसी और ही अनुभूति का है. आई जस्ट थॉट ही वुड एक्चुअली स्टार्ट सिंगिंग राइट नाउ. ये रिश्ता क्या कहलाता है. Was it a song? Was it like a TV serial? कुछ था ना? I have no idea. yeah, there was a song like this. ये रिश्ता क्या कहलाता है. ऐसा करके. Guys, leave a comment below if you know what this woman is singing. I have no clue. उम्मीदवार नामांकन चुनाव ये लोकतंत्र की प्रक्रिया है पूरी करेंगे. पर ये रिश्ता माँ बेटे का जी. अरे फिर से रिश्ता मतलब सेवा भी माँ के तौर पर ही की वो जो काशी में इतना विकास हुआ. ये बोल रहा था तू मतलब ये काशी में इतना विकास किया है सेवा किया है दैट इज व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट. सच गार्बेज वही तो लाइक लुक एट हिज फेस इज गार्बेज. He's dressed like a blackboard also. I hate him so much. cut karo. लेकिन प्रधानमंत्री जी सवाल अगर पॉलिटिक्स पर पूछूं तो बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र बहुत ही डिवाइसिव है. हालांकि कांग्रेस आलोचना करती है बीजेपी की ये कह के कि आप 2 और 2 22 बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि चाहे वो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो या इनहेरिटेंस टैक्स हो ऐसी कोई भी बात उनके मैनिफेस्टो में नहीं है. ये कहीं ना कहीं बीजेपी लोगों में डर फैला रहे. डूड ये ना क्वेश्चन जैसे फ्रेज करते हैं ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट. शी इज नॉट सेइंग कि मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा है और उसमें ऐसे कुछ नहीं है. उसने बेसिकली सेइंग कि अच्छा कांग्रेस बोल रही है कि उनके मैनिफेस्टो में कुछ नहीं है. लाइक व्हाट इज दिस रिडिकुलस बुलशिट. इवन आई थिंक स्मिता प्रकाश आल्सो लाइक डिड द सेम थिंग वेयर तुम जर्नलिस्ट हो भैया तुम पढ़ सकते हो. आई होप आई अस्यूम उस वो पेपर पकड़ के बैठी है तो आई अस्यूम शी कैन रीड सो शी कांट रीड द मैनिफेस्टो और व्हाट. सो दैट्स द थिंग नो जो मैं बोल रही थी ना कि ये सुशांत के का फ्रेमिंग भी है इनका फ्रेमिंग भी. व्हेन यू आर आस्किंग लीडिंग क्वेश्चंस यू आर ignoring, you're completely ignoring your role. You इसको ना अभी दिखाना है नहीं सर मैं तो आप ही के साइड हूँ सर बट आई एम तो कम्प्लीटली ऑन योर साइड. बट वो ऐसा कह रहे थे तो अगर आप हमारे दर्शकों के लिए अपना साइड रख देंगे बिकॉज वी आर योर साइड अगर आप दर्शकों के लिए हमारा साइड रख देंगे ना तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा. इट्स लाइक बेसिकली दैट बिकॉज कांग्रेस आरोप लगा रही है भाई बहन तूने तो कुछ काम किया होगा तूने तो देखा होगा तूने तो पढ़ा होगा. हम CAA का कानून लाए साफ साफ लिखा हुआ है साफ साफ कहा गया है
न बोलने में किसी ने गलती की है, न लिखने में गलती की है, न देश के कानून में कोई गलती है। सीधा सीधा वो कानून सिटीजनशिप देने के लिए है, उसमें कहीं पर भी सिटीजनशिप लेने का नहीं है। दो साल हो गए कांग्रेस पार्टी पर पूरा अलग अलग वो करना पड़ेगा। कभी आपने उस फैक्ट चेक किया क्या? कभी पाठशाला में उनके कपड़े उतारे क्या? व्हाट ओके वेट आई सॉरी दो साल हो गए कांग्रेस पार्टी जो झूठ फैला रही है, क्या कभी आपने उसका फैक्ट चेक किया क्या? कभी पाठशाला में उनके कपड़े उतारे क्या? व्हाट क्या कपड़े उतारे क्या? दैट्स व्हाट इज इट। एंड आल्सो बाय द वे व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज दैट हां आपने कांग्रेस पार्टी झूठ फैला रही है एंड तुम मुझे पूछ रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो एसेंशियली ही इज आल्सो सेइंग कि मैं झूठ बोल रहा हूँ एंड ऑन टॉप ऑफ इट ही इज लाइक कपड़े उतारे, वो भी तो झूठ बोल रहे हैं। आल्सो लैंग्वेज बॉस, ऑल्सो द लैंग्वेज, लाइक एक मतलब आप इस देश के प्रधानमंत्री हो, आपने यू हैव एसेंशियल लाइक लेट मी टेल यू लेट मी लाइक द ऑडियंस कि ये क्यों इतना प्रॉब्लमैटिक है। कपड़े उतारने को आपने किसी की इज्जत से जोड़ा है, ठीक है? कपड़े उतारने से क्या होता है? इज्जत लूटती है या फिर वो एक्सपोज होता है। एक्सपोजर को आपने किसी को एक्सपोज करने को, किसी की गलतियों को, किसी की खामियों को एक्सपोज करने को आपने किस चीज से जोड़ा? उसकी इज्जत उतारने से जोड़ा, उसके कपड़े उतारने से जोड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एक्सट्रीमली सेक्सिस्ट, ठीक है, और एक्सट्रीमली violent, this language is very violent, and then specially इस देश में जहां हमने मणिपुर जैसा कांड देखा, then we have seen West Bengal में इस तरीके की घटनाएं हुई है जिसमें औरतों को निर्वस्त्र किया गया है, उनके कपड़े उतारे गए हैं, specially in a country where disrobing somebody is used as a weapon in order to harm that person, in order to be violent, in order to suppress that person, whether that person is a dissenter, whether that person is an opposition member, whether that person is a आपकी किसी भी बात का वो opposition कर रहा है, आपकी मुखालफत कर रहा है, उस देश में आप इस तरीके का एक लैंग्वेज यूज कर रहे हैं एंड सो कैजुअली एंड यू यूजलेस पीसेस ऑफ ट्रैश, दीस टू जर्नलिस्ट दे डोंट हैव इट इन देम टू क्वेश्चन, लुक एट देयर फेसेस, आप एक सेकंड के लिए एंड ही दिस इज ही इज लाफिंग स्माइलिंग ही इज स्मर्किंग एट इट या एब्सोल्युटली ही इज स्मर्किंग एंड लाइक कि मतलब हां कपड़े उतारे क्या? नहीं हमने तो उतारे हैं सर, आप देखते रहिए आगे क्या होता है। लाइक मतलब इतना घिनौना इंसान है ये सुशांत सिंह नाम है इसका, yes. सिन्हा, yes. Whatever his name Sina. is, सुशांत, ब्लैकबोर्ड सिन्हा, so I get so mad at this and this is such violent language, और आपने and वो बस कैजुअली बोल के निकल गए, कैजुअली बोला निकल गए कि आपने कभी कपड़े उतारे क्या? लाइक व्हाट डू यू मीन मैन, व्हाट? क्योंकि झूठ इतना चला था, जबकि हम उनके एक एक स्टेटमेंट देख लीजिए। अब जैसे ये इनहेरिटेंस टैक्स की बात लेके आए, नहीं लेके आए भी डेवलपिंग कंट्रीज में इस प्रकार का प्रयोग हुआ है क्या? नहीं हुआ करना भी नहीं है। किसी ने सैम पिट्रोडा वो चोमू वहां पे बैठ के कुछ बड़बड़ कर रहा है और ये उठा रहे हैं यहां से अपने स्पीच में डाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैनिफेस्टो में, एक्चुअली इनके ही मिनिस्टर्स ने एक बार प्रपोज किया था, फ्लोट किया था, राइट? यू नो 2017 के आसपास उनके मिनिस्टर्स फ्लोट कर रहे थे कि इनहेरिटेंस टैक्स लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। दिस गाय अमित मालवीय ने कितने क्विकली ट्वीट्स डिलीट किए थे। अगर मैं बता रही हूँ तेरे को यार, अगर इस देश में जुबैर नहीं होता, हम लोगों को ये थ्योरी, ये सच्चाइयां कभी नहीं मिलती। वो आदमी किस स्पीड में काम करता है, he immediately figured out, he immediately found out these tweets by Amit Malia, जिसमें वो inheritance tax के favor में बात, not just Amit Malia, a few others also, who had spoken in favor of our inheritance tax and ये, and plus talking about Sam Pitroda, these guys पिछले 10 साल में मुझे नहीं लगता एक बार इन्होंने उसका नाम लिया है, Sam Pitroda का नाम लिया, and now suddenly in this दो इलेक्शन फेजेस में आपने अपना पूरा कैंपेन डिजाइन कर लिया है सिर्फ और सिर्फ सैम पिट्रोडा की बातों के ऊपर। या अभी like, एक और कुछ स्टेटमेंट दिया ना सैम पिट्रोडा ने, कुछ तो भी रेसिस्ट स्टेटमेंट दिया, लाइक नो इट वाज लाइक द थिंग इज मैं बता रही हूँ, सी द थिंग इज हमारे देश में लोगों को जैसे इनको लैंग्वेज का, जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज के बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं है मोदी जी को, ठीक है? लाइक चूड़िया पहन के बैठ जाओ या आपने कपड़े उतारो, जो व्हाटएवर कपड़े उतारो, किसी के कपड़े उतार लो, ठीक है? तो नो जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज का इनको कोई भी आइडिया नहीं। उसी तरह से दे हैव नो आइडिया अबाउट, जैसे हमारे देश में कास्ट सेंसिटिव लैंग्वेज का कोई ट्रेनिंग नहीं है, रेस सेंसिटिव लैंग्वेज का कोई ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है? इतनी अंदर तक रेसिज्म कास्टिज्म घुसा हुआ है, जैसे हमारी गाली गलौज में भी वी हैव अ लॉट ऑफ कास्टिस्ट टर्म्स, नेम्स ऑफ कास्ट्स व्हिच आर एक्चुअली यूज्ड एज ये व्हिच आर यूज्ड एज गाली। सो व्हाट सैम पिट्रोडा सेड वाज दैट वी आर सच अ बिग, दिस इज द लाइन व्हिच फ्रॉम
from which this the entire fiasco has happened. He said ki we are a country of so much diversity, and yet we have been able to be one. We have been able to stay together as one people, because we have in the east, people in the east look like Chinese, people in the west look like Arabs, people in the north look like white people, and people in the south look like Africans, and yet we have been able to stay together like brothers and sisters. So this is what he said. Okay, so it was intention sahi tha, lekin point is aapko koi gyan hi nahi hai ki jo aapne casual racism ka hai wo diya hai kya kehte hai display kiya hai, that is problematic and that is wrong. No filter. And just like yeah no filter. Aise baaton mein aise bleh nikal jata hai, you know, like क्या करे बड़बोले तो है हमारे यहाँ पे. बेचारा सैम पिटोडा suddenly he is finding himself to be so relevant कि मोदी जी उनकी बातों को सुन रहे हैं और वो कर रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं, तो it also makes me think that this time कांग्रेस के अदर MPs एंड कैंडिडेट्स आर वेरी डिसिप्लिन्ड. दे हैवंट गिवन एनी फुल टॉस लाइक दिस येट. इट्स लाइक आई एम लाइक सैम पिटोडा तक जाना पड़ रहा है उनको. साम्यवादी विचारधारा की बात छोड़ दीजिए, इनके घोषणा पत्र में और उनकी स्पीचिंग में जो बातें हैं आपको एक साथ मिलाकर के कैनवास पर रखनी पड़ेगी. ये लगातार बोल रहे हैं और सब बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कोई बाय द वे बोल रहा है, हर कोई बोल रहे हैं. आप जो बोल रहे और फिर उनके घोषणा पत्र में जो लिखा है, और पहले जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बोला है, मनमोहन सिंह जी ने दो बार पब्लिकली कहा है कि इस पर पहला हक मुसलमानों का. नहीं कहा है भैया, नहीं कहा है. सी दैट्स द थिंग, लाइक जयराम रमेश गेव अ स्टेटमेंट, राहुल गांधी ने फैक्ट चेक किया, इतने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए कि मोदी जी प्लीज नहीं बोला है. खड़गे रोट अ लेटर टू हिम, सेंट हिम द मैनिफेस्टो सेइंग सर पढ़ लीजिए प्लीज, और हमने ऐसे कभी कुछ नहीं बोला था. व्हाट मनमोहन सिंह वाज सेइंग दैट द ही वाज टॉकिंग अबाउट एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटीज एंड हाउ द वेल्थ नीड्स टू बी एलोकेटेड इन अ वे व्हिच इज इक्विटेबल. यू नो डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई नहीं थी कभी, राइट? एंड और वेल्थ में भी वो दैट इज नॉट प्राइवेट वेल्थ जो किसी ने बना लिया, अपना घर बना लिया, दो भैंसे रख ली, तो ऐसा नहीं है कि वो दो भैंसों में से जो ये कह रहे थे ना कि एक भैंसा दे देंगे. वेल्थ का मतलब इट्स नॉट छोड़ो यार, व्हाई आर वी इवन बट देन अगेन द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इज हार्पिंग ऑन दिस एंड डिस्पाइट फैक्ट चेक्स बाय इंडिपेंडेंट मीडिया एंड स्टिल इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स जो तुम्हारे खर्चे पे नहीं पल रहा है. छोड़ो इंडिपेंडेंट, छोड़ दिया, इंडिया टुडे वालों ने खुद ही करा है, तुम्हारे सुधीर चौधरी तक ने करा है. दैट्स क्रेजी. एंड आल्सो बाय द वे दीज टू डू नॉट से जैक एज एक्सपेक्टेड. और जब फिर आप सर्वे करने की बात करते हैं भाई, रोकना यहाँ पे. फिर कहते हैं एक तो सब ले लेंगे. एक तो लुक, मैं ना एक काम करता हूँ, लाइक वेट, मैं ना ये पॉज थोड़ा सा, ये नॉर्मल स्पीड है, हम 1.25 में देख रहे थे, ठीक है? अब देखते हैं कितने पॉज मोमेंट्स मिलते हैं जहाँ पे वो इंटरप्ट करके एक सेंटेंस बोल सकते थे. मनमोहन सिंह जी ने दो बार पब्लिकली कहा है कि इस पर पहला हक मुसलमानों का है, और जब फिर आप सर्वे करने की 1-2-3 seconds बीच में जहाँ पे उन्होंने ऐसे कुछ तो भी किया भी, वो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, थोड़ा सा कुछ तो भी हो गया, बट एक बार डोंट 3 seconds मिले थे, लाइक यहाँ पे सुशांत कुड़े बिन पर प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी ने ऐसे कुछ नहीं कहा था. आप ये क्यों बार बार रिपीट करते जा रहे हो? आपको एक लेटर लिखा गया है, जयराम रमेश ने बोला गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गए, इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स ने फैक्ट चेक भी कर लिया. प्रधानमंत्री जी आप क्या अभी भी सोचते हैं कि मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था? कुछ नहीं, जीरो. एंड देन दीज पीपल हैव द बॉल्स, नॉट ओनली दैट, बिकॉज़ दीज पीपल हैव द बॉल्स टू एसेंशियली टेल गुरु घूम घूम के अपने ही न्यूज रूम में बोलने का, नहीं ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं था, क्योंकि तुमने होमवर्क भी नहीं किया है, कुछ नहीं किया है तुमने. इट वाज क्या, व्हाट डिड शी से, इट वाज बेबाक एंड कूल. बेबाक एंड कूल, वेरी कूल. की बात करते हैं, हम सब ले लेंगे और बांट देंगे, लाइक ब्रो व्हेयर इज इट, क्योंकि मुझे काम करना है. मैं वहां ये नहीं कहता हूँ इस धर्म के उस धर्म के. तो एंटी मुस्लिम जब कहते हैं कैसा लगता है ना, हम इस्लाम कैसा लगता है, कैसा लगता है, कैसा लगता है आपको? डॉक्टर सर, वेट आपको कम्युनिस्ट बोला जाता है, कैसा लगता है आपको? लाल सलाम.
the sheer audacity of this question ki aapko aisa kehte hain to kaisa lagta hai. I mean, you are a journalist, you are not giving examples of his absolutely anti-Muslim rhetoric from leave last ke 10 saal last ke 10 din mein jo unka anti-Muslim rhetoric raha hai, which is very evident, aur itna evident raha hai ki desh ke 17,000 alag alag logon ne complain kari hai election commission of india ko ki bhai sahab aap hate speech de rahe हैं, आप रुक जाइए. ठीक है, तो आप हेट स्पीच देते हैं, आप सीधे सीधे देश की 15% जनता को घुसपैठिया बोलते हैं, आप उनको जिहादी बोलते हैं, आप उनको बिकॉज ऑफ कोर्स यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड जिहाद एंड But you use it in a derogatory sense, you use it in a divisive sense, और आप बोलते हो कि ये लोग जिहादी हैं, और आप जानते हैं जिहादी लोग किसको वोट देंगे, और इस तरीके की बात आप करते हो, and you think उसके बाद you have the audacity to say that इस देश का मुसलमान जानता है, इस देश का मुसलमान को पता है कि कांग्रेस ने उनके लिए क्या किया है, और उनको अपने भविष्य की, अपने बच्चों की चिंता करनी चाहिए. You as a journalist, first of all, you have not even counted, you have not given a single example of what he has done or what he has said. ठीक है, let me not even talk about the atrocities that the population, that this population has faced, this community has faced, including lynchings, including I still, मेरे को एक दिमाग में ना एक हेडलाइन हमेशा हमेशा मेरे को ये चुभती है, और हमेशा मुझे याद आती है कि मुसलमान होने के शक पर एक आदमी को लिंच कर दिया गया. मुसलमान होने के शक पर, शक या मुसलमान होना कब से इस देश में, कब से क्राइम हो गया कि शक पर? एंड दिस इज समथिंग विच द पुलिस पर्सन, द पुलिसमैन, द जो SP है उस एरिया का जहां पे ये हत्या हुई थी, जहां पे ये लिंचिंग हुई थी, दैट गाय केम एंड गेव इट एज अ जस्टिफिकेशन कि कुछ लोगों को लगा कि वो मुसलमान है तो इसने मार डाला. बस ये लाइक यू नो द थिंग इज अर्लियर अंटिल दिस पॉइंट, लाइक एज यू सेड 10 डेज अगो बिफोर द इलेक्शंस एटसेट्रा, ये जो एंटी मुस्लिम रेटोरिक जो आता था, हेट स्पीच जो होता था, वो ऐसे रोड लेवल कैंडिडेट्स और स्पोक्सपर्संस और जो ये कार्टून लोग आते हैं ना टीवी पे, उनसे होता था, राइट? यू नो लाइक व्हाटएवर इट वाज इन असदुद्दीन ओवैसी constituency, yeah. like his opponent, this lady Madhvilata who did this motion at a mandir, and she was like doing the same DJ business outside of she did this for a masjid, my bad, sorry guys, maine kya hi bol diya, aise kaise kar sakte hai mandir, masjid ko theek hai, to usne aise masjid ki taraf kiya, and she was doing the same DJ nonsense, right? The other big example I can point out is freaking tablighi jamaat, man, that whole incident that happened during COVID. फैक्ट कि हाँ हम तो सबका साथ सबका विकास करते हैं, हम जब घर देते हैं थोड़ी देखते हैं कोई हिंदू मुस्लिम है, राइट? ए इट्स योर जॉब, राइट? तुम ऐसे कोई फेवर नहीं कर रहे हो, राइट? If you actually did that, that would be shitty, right? So you're not doing that. It's not something that अरे मैं थप थपाओ मेरे पीठ पे कि मैंने इसको ऐसे नहीं दिया, मैंने तो ऐसा नहीं किया. Yeah. And the second thing is, ये सब तुम अपने hate speech और rhetoric से पूरे ecosystem की बात करते हैं ना, ecosystem को use करके they spread a atmosphere of fear, like they rule by fear, like the minorities have been essentially इतना दबा दिया है, इतना डरा दिया है, that they are basically not saying anything, they are not even dissenting, right? You know, CA ke time pe jo dekha humne, which was a women-led protest, Muslim women-led protest, and the kind of shit that went down and the kind of rhetoric that came towards them was horrifying. Like, I don't understand how this man can say this with a straight face anymore, right? And how the journalist... Jamia mein, CA ke time pe Jamia mein jo attack hua tha. Huh? Jamia mein jo attack hua tha. Then this guy who was wielding that gun and then shot at the... one of the he is out on bail and he has been garlanded by people from your party, from your affiliated parties like Bajrang Dal and VHP. So aap, like, what are you even talking about? We are doing a better job than the journalists, man. जहां तक गाली देते हैं, ये नेहरू के जमाने से एक नैरेटिव बनाओ इस प्रकार की गाली देने का. I was wondering when Nehru was going to come here. पहले गाली देते थे क्योंकि उनको कम मेहनत में ज्यादा मुनाफे वाला काम था, क्योंकि भी गाली दे दो ये मुसलमानों के दुश्मन है, तो आप अपने आप मुसलमान के मित्र बन जाते हो, कुछ किए बिना तो मुफ्त में फायदा मिलता है, तो इसलिए. वेट, सेम लॉजिक विल अप्लाई टू हिम ऑल्सो नो, लाइक इफ इट वॉज इजी फॉर देम कि ये मुसलमानों के दुश्मन है तो इजिली आपको वोट बैंक मिल जाएगा, तो ये भी तो बोल सकते हैं ना, ये भी तो बोलते रहते हैं कि वो हिंदू दुश्मन है तो मतलब तुम्हारा वो वोट बैंक हो गया.
गया ना, डरा तो आप भी रहे हो, लाइक सेम लॉजिक अप्लाई होगा सर आप पे, लाइक आई मीन मेरे को पता है कि तुम्हारे जो फॉलोअर्स है उनको थोड़ा सा लॉजिकल ये थोड़ा सा कॉग्निटिव डिसोनेंस ज्यादा है, आई नो दैट, क्रिटिकल थिंकिंग कम है, क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ा सा कमजोर है वो डिपार्टमेंट में, इसीलिए ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी को ऐड देना पड़ रहा है कि हम क्रिटिकल थिंकिंग भी सिखाते हैं. What am I saying? Why am I expecting things from Navika and Sushant at this point of time? I know, man. I know. इनमें critical thinking भी expect नहीं कर सकते, मतलब as good as Galgotias only. कि इसमें कोई दो राय नहीं कि आपकी किसी योजना में हिंदू मुसलमान हुआ, घर मिलना है गरीब को मिलना है वो गरीब कोई भी हो सकता है, लेकिन 2002 से आज 2024 हो गया, हम और आप किसी सामान को खरीदने जाएंगे तो 2-3 साल के बाद शायद नहीं खरीदेंगे, कुछ नया ट्राई कर लेंगे. 22 साल से यही नैरेटिव कैसे मुसलमान बार बार खरीद ले रहा है या मान ले रहा है कि मोदी आएंगे तो मुसलमान को खत्म कर देंगे. मैं करीब 25 साल हो गए मुझे. What was that question? गवर्नमेंट के नाते और गुजरात में आपको मालूम होगा. मतलब he is so ये जो डिविजन है ना, ये जो नफरत है, it is not just evident in मोदी जी, it is evident in this white space also. ठीक है, ये खुद भी इतना नफरत से भरा हुआ है. लाइक यू डू नॉट, 22 साल से एक नैरेटिव चल नहीं रहा है, 22 साल से ये उनकी रियालिटी है. ठीक है, एक कम्युनिटी की पूरी रियालिटी है, एंड यू एज अ जर्नलिस्ट refusing to believe that or refusing to do your work or even apna mat karo yaar, apna mat karo, lekin abhi bhi tumhari fraternity mein hi log hain, journalist fraternity mein hi log hain jo hain is field mein abhi bhi, jo kaam kar rahe hain, jo dikha rahe hain every single day. theek hai, you don't see any of those things happening. theek hai, and again mujhe bahut shak hai, ye bar bar jo ye mention hai na 2002 ka, bar bar mention kiya ja raha hai 2002, and then he also, this one also says kya naam hai uska, modi ji also says Modi ji also says 2002. It is like a soft reminder. कि देखो 2002 से कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि 2002 में ये हुआ था. बुरा नहीं है तो क्यों कंप्लेन करो. मतलब इंसान जब मर जाए, जब मरने लगे मुसलमान लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में, तब बोले, तब ठीक है, अब मत बोलो. Also one more thing I was thinking about was Bilkis Banu. You know, like Bilkis Banu, like so 2002 से लेके 2000 अभी तक बात कर रहे हो आपकी, अभी तक क्यों मुसलमान ये कर रहा है. Bilkis Banu fought this long ass case got like convictions against these rapists, and basically they went to jail, and then what happens they get trimished. This government, Gujarat government and central government combine their forces to get to release them for good behavior, it seems. And ye bol rahe na ki ye narrative chala rahe, kon chala raha hai bhaiya narrative, tum hi to chala rahe ho, tera hi narrative hai, tu hi to chala raha hai narrative hai itne saalon se, inhi ka to narrative hai, yahi to intention hai inka. Like otherwise why would he be talking so much about in why would he be bringing up communal issues so much in the recent 10-15 days? Narrative kaun chala raha hai bhaiya, aap hi chala rahe ho, right? You are the ones who create this narrative. Exactly. And tumko lag raha hai ki is narrative se kisi ko problem bhi nahi hona chahiye. Now again, kyun lag raha hai, kyun lag raha hai, क्यों लग रहा है डर, तो क्यों लग रहा है, तू बोल रहा है, डरना चाहिए यार, तू बोल. जैसे फॉर एग्जांपल द कॉन्स्टिट्यूशन वाला थिंग, 400 पार में होने में कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे, ही कीप सेइंग कि हमारे मैनिफेस्टो में कहीं नहीं लिखा हुआ है. ठीक है, नाउ कांग्रेस आल्सो सेज हमारे मैनिफेस्टो में कहीं नहीं लिखा है कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये होगा, वो होगा, ये होगा, इंक्लूडिंग दैट कांग्रेस अब के मैनिफेस्टो में नहीं लिखा हुआ है, तो कांग्रेस का कोई भी बंदा बोल भी नहीं रहा है ये चीज कि हम वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, वो कर देंगे. तुम्हारे मैनिफेस्टो में नहीं लिखा हुआ है कि संविधान चेंज करोगे, लेकिन तुम्हारे ही बंदे बोल रहे हैं तुम्हारे अरुण गोविल से शुरू करके दैट व्हाट इज हर नेम, ज्योति वुमन, देन दिस लल्लू सिंह गाय, देन आज हेगड़े, अनंत हेगड़े, एवरी सिंगल, लाइक दीस आर नॉट अनंत हेगड़े के छोटा मोटा प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइजर. देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइजर हु रोट एन एंटायर आर्टिकल ऑन दिस, आई फॉरगेट हिज नेम, इन इंडियन एक्सप्रेस. ठीक है, वो वाला था. एंड यू हैव योर ओन पीपल टॉकिंग अबाउट चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम क्यों बिलीव ना करें. ठीक है, तुम्हारे मैनिफेस्टो में नहीं लिखा हुआ है, पर तुम्हारे अपने बंदे तो कह रहे हैं ना. तुम्हारे अपने बंदे कह रहे हैं, तुमने भी आज कहा कि तुमको 400 सीटें चाहिए क्योंकि कांग्रेस बाबरी का ताला लगा देगी. नो, बड़े निर्णय करने. सो लाइक वन थिंग इज व्हाट बड़ा निर्णय है, सी दैट्स द थिंग, लाइक यू नो, आप बोलते रहते हो कि ट्रेलर है, बड़े निर्णय करने हैं, व्हाटएवर. तो ये बड़ा निर्णय क्या है भैया, बता भी दो हमको, वो भी तो नहीं बता रहे ना. लाइक ऐसे टांग के छोड़ दिया कि मतलब ये बड़े निर्णय, व्हाट, यूनिफॉर्म सिविल
कोड, उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, व्हिच मींस यू आर एसेंशियली चेंजिंग अ लार्ज पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू समथिंग दैट यू हैव बीन वांटिंग टू डू फॉर अ व्हाइल. लाइक ये जो एंग्जायटी ये लोगों ने क्रिएट किया है, जो नैरेटिव की वजह से जो एंग्जायटी क्रिएट किया है माइनॉरिटीज में, एंड ऑल्सो लिबरल सेक्युलर सोशलिस्ट राइट माइंडेड कॉन्स्टिट्यूशन लविंग पीपल के दिमाग में जो एंग्जायटी है, यू हैव क्रिएटेड इट. दैट्स इट्स नट्स. ऊपर से कहते हैं कि आप तानाशाह हैं, आप पुतिन बाबा हैं, आप तानाशाह हैं, तमाम तरह की चीजें कही जाती हैं. और ये इकोसिस्टम सिर्फ भारत में नहीं है, यहाँ से लेकर इकोसिस्टम चलता है, जो कहता है आप हिटलर हैं, आप तानाशाह हैं, आप आएंगे तो ये बदल जाएगा, चुनाव नहीं होंगे, इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं कि एजेंसियां भी आपने कंट्रोल कर ली है, तमाम चीफ मिनिस्टर आपने जेल में डाल दिए हैं. It's all true. Like what your question was full of truth, Navika. Like you shouldn't have asked it as a question. It was a statement. Does she understand? Like Modi ji, ये तो बोलते हैं कि आपने लोगों को जेल में डाल दिया. No, Navika, you should say, Modi ji, आपने chief ministers को जेल में डाल दिया. Intonation, Navika. Intonation. Oh my God. Like agencies control कर लिया. Like it's like such a it's like a feeder. It's a feeder question, no? Which is like, हमको पता है मोदी जी आप इनको oppose करेंगे, आप ले लो ना थोड़ा सा, मतलब ऐसे थोड़ा बोल दो, इसके भी बोल लो ना आप. Holy shit. I paid more attention to Sushant and Navika than to Modi ji this time. This time, yeah. I mean, वो answers तो वही रटे हुए हैं, whatever. The same ही है, it's the same slit. Correct. आपने अच्छा निकाला. अच्छा subject. आपने अच्छा निकाला. अच्छा. लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, क्योंकि टाइम्स नाउ की अपनी एक प्रतिष्ठा है. अच्छा अच्छा. हमें तो नहीं पता था. क्योंकि टाइम्स नाउ की अपनी अपनी प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा बाहर भी कोई तो भी आउटरीच होके हॉर्न मारने लगा इसी मोमेंट पे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है. बजर बजा है, झूठ वाला बजर नहीं होता, जैसे आजकल आईपीएल में नो बॉल पे बच जाता है ना, ये नो बॉल था. दिस इज अ गुड मेटाफर यार, ये लोग नो बॉल डाल रहे हैं भाई साहब, फ्री हिट लिए जा रहे हैं. लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, क्योंकि टाइम्स नाउ की अपनी एक प्रतिष्ठा है, क्या साइंटिफिक तरीके से इस सब्जेक्ट का एनालिसिस हो सकता है क्या? अब जैसे आप सुशांत आप पाठशाला चलाते हैं. हाँ हाँ, हो सकता है. सॉरी, हो सकता है. मैं दिखाऊं है साइंटिफिक एनालिसिस है. रुक जा. मतलब समझ क्या रखा है, कर रखा है लोगों ने काम. सो दिस इज अ वेरी वंडरफुल क्लिप, यू नो, गेस व्हाट ऑन टाइम्स नाउ. This is an interview of PTR, जो एकदम scientific तरीके से समझाते हैं ये, okay? So we will listen to that now. Our own political gains, the agencies, be it the ED, CBI or income tax, they are acting independently. The government doesn't interfere in their functioning is what they are telling. Long ago when I was a young man, I used to study PTR, man. As a graduate student, a master's degree in something called operations research, and I was a graduate teaching assistant. So I used to lecture about things called simulation and stochastic modeling. Stochastic modeling means the modeling of probability and non-deterministic scenarios. How do you gauge the chances of something? How do you calculate how many passengers are likely to get on a train in a traffic system? So what my understanding of probability is, the odds that we have seen, the outcomes that we have seen, that is only non-BJP people get targeted for these raids. Not a single person in the BJP is ever touched by any of these raids. All those who are targeted eventually end up contributing electoral bonds precisely to the party or joining the party, like politicians in Maharashtra like Ajit Pawar, like Praful Patel, and suddenly start getting clean chits. And the minute they go into the BJP, all of a sudden, all of their cases go into cold storage. As a result of which, less than 0.5% of the cases of the ED have gone through to actual prosecution or conviction. The odds of all this happening, were the ED to be truly independent, is the odds of you winning $100 billion in a lottery ticket after paying $1. It is beyond the realm of possibility that this pattern of outcomes can be explained in a neutral, independent agency operation. I'll just stop there. So, do you think apart from look at this scientific explanation? Kisne host kiya? Times Now ne. Like, I mean, like, literally, the interview is on your own channel. Yeah. Scientifically explained kiya gaya hai, why it. It's a statistical impossibility ki you can say that it's an independent institution. And at the same time, most of the cases are against opposition party members, and it is a
statistical impossibility. I think it was like 97%. ऐसा कुछ है ना? The number was 97% of the cases. And also conviction rate is very low, no? तो like I mean PMLA law को change करके उन्होंने वही किया कि you put them in jail endlessly. Bail मिलना possible नहीं है. That is what is happening with Hemant Soren and that is what is happening with Kejriwal. And Kejriwal, yeah. Like the judges are basically not able to give bail because the law is so strict. मुझे ये पक्का विश्वास है कि जब दीपक बुझने को होता है ना तो फटफटाती है तो ये वो फटफटाहट है अब उनको अंधेरे में जाना ही जाना है जी प्रधानमंत्री जी that kind of applies to him also I guess दीपक बुझने the way he is talking I mean the way he is talking I mean like मैंने मुझे ये पूरे इंटरव्यू में यही देखा कि like the things he is saying about them also apply to him also no like sometimes it's just bizarre like you know like oh ये desperate हो रहे शायद आप भी हो रहे हो I mean आपका बर्ताव Did you write it or who wrote this that whatever he is saying is very confessional in nature exactly bahut confessional sa lag raha hai ki matlab aap confess kar rahe ho yeah it's very confessional like today morning he said no ki Adani and Ambani oh my god okay can we take a short break and talk about this Medusa please. I have been dying to Congress oh my god did he share it from his He shared it from his own Twitter. साथियों आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू 5 साल से एक ही माला जपते थे पांच उद्योगपति फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी 5 साल से लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया नहीं किया ऑल्सो क्या तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूँ जरा ये शहजादे घोषित करें इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है व्हाट इज हैपनिंग धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं व्हाट इज हैपनिंग क्या टेम्पो भर करके नोटे व्हाट इज हैपनिंग कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या व्हाट इज हैपनिंग विथ यू हुआ है आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया अरे क्या चालू हो रहा है बॉस आपने रातों रात अंबानी अडानी को गाली देना शुरू क्यों कर दिया आप ये बताओ व्हाट इज हैपनिंग लाइक सी दैट्स व्हाट लाइक लुक आई हैव गिवन अ रिस्पांस टू दिस आल्सो डिड यू अवॉइड टॉकिंग अबाउट अंबानी एंड अडानी अंटिल नाउ बिकॉज यू हैड अ सीक्रेट डील विद देम आई मीन सेम लॉजिक राइट व्हिच इज इफ इज द सेम लॉजिक नहीं मैं ना थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं इसको राइट इफ मोदी जी क्लेम्स दैट कांग्रेस हैज स्टॉप टॉकिंग अबाउट अंबानी एंड अडानी बिकॉज देर इज अ सीक्रेट डील ऑल्सो टोटल लाई आई सॉ स्पीच येस्टरडे इन विच राहुल गांधी वॉज टॉकिंग अगेंस्ट अडानी एंड सेइंग कि ये उद्योगपतियों को दे रहे हैं टाइप्स बट एनीवे बिसाइड्स द पॉइंट वो तो अब झूठ तो बोलते ही है तो छोड़ दो वो सो ही इज सेइंग कि वो सो कांग्रेस ने कोई सीक्रेट डील किया है गाइस विच इज अंबानी एंड अडानी से ट्रक भर भर के अपेरेंटली कैश लिया ब्लैक टेम्पो भर के उन्होंने बोलना छोड़ दिया राइट तो सेम लॉजिक कि अभी तक मोदी जी नहीं बोल रहे थे तो विच मींस दैट अभी मोदी जी बोलना शुरू किया है मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया कुछ तो गड़बड़ है इसमें लाइक इसके पहले क्या आपको ट्रक भर भर के पैसे कहीं से आ रहे थे बोरिया क्या आपको आ रहे थे लाइक सेम लॉजिक हम भी अप्लाई कर सकते दिस इज वी आर हम अप्लाई करेंगे मेड्यूसा व्हेन वी वोक अप टुडे डिड यू एक्सपेक्ट दिस नो ये तो मैंने आई टोल्ड यू ना आई हैड टू लिटरली गो टू लाइक 4 different सोर्सेज एंड सी एंड फिगर इट आउट वेदर इट वाज लाइक अ मॉर्फ्ड वीडियो और समथिंग और मैंने ये वाला तो देखा भी नहीं था जो उन्होंने अपने ही चैनल से वो किया निकाला है आई वाज लाइक Wait, this is not happening. This cannot happen. And then several, like Pawan Khera also shared the video. I'm like, chalo, theek hai, kam se kam Pawan Khera is like a responsible person.
पर्सन तो वो तो मॉर्फ वीडियो शेयर ही नहीं ही करेंगे, तो इसीलिए मुझे लगा कि चलो कम. आई वाज स्टिल इन शॉक, यू कैन सी माय ट्वीट, आई एम लाइक व्हाट इज दिस, इज दिस मॉर्फ, व्हाट इज गोइंग ऑन, लाइक दिस एआई, इज दिस डीप फेक, व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज़ आई कुड नॉट हियर इट, इट्स सो बिजार्ड, आई कुड नॉट बिलीव इट, कि क्या सुन रहा हूं मैं, लाइक आई मीन आई एम, एंड प्लीज डजंट, आई मीन द कंक्लूजन दैट वी रीच्ड एट, कि तुम कह रहे हो कि कांग्रेस को पैसा मिला है इसीलिए राहुल गांधी चुप है, तो हम लोग को लगेगा कि तुम भी पैसा ले रहे थे तभी तुम चुप थे. लाइक हाउ कैन यू नॉट हैव रीच्ड दैट कंक्लूजन, और हाउ कैन यू नॉट हैव सीन इट बिफोर हैंड कि लोग इस वाले कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, लाइक व्हाई, बिकॉज उसको पता है ना कि कोई क्रिटिकल थिंकिंग कर ही नहीं रहा इन हिज हेड, कि वो कुछ भी पे लेंगे तो लाइक लोग ले लेंगे. इट्स बेसिकली सबका क्रिटिकल थिंकिंग का एबिलिटी खत्म कर दिया गया है, राइट. ये ध्रुव राठी जो वीडियो पे वीडियो बना रहा है ना, कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को समझो, इट इज दैट ओनली, कि भैया थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, फ्रेंड्स थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा पढ़ाई करो, एंड एक सिंपल गूगल सर्च कर लेते. नो, किसी को करना नहीं है. तो ये जो है ना, आई थिंक दिस इज एक्चुअली अ वेरी बिग टर्निंग पॉइंट इन द इलेक्शंस, ऑनेस्टली, लाइक दिस इज समथिंग दैट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एट ऑल. लाइक देयर आर ओनली टू एक्सप्लेनेशंस. वन, व्हाट वी जस्ट थियोराइज्ड इज ट्रू, व्हिच इज दैट द इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैव सडनली चेंज्ड देयर एलिजेंसेस एंड नाउ आर लाइक रीचिंग आउट टू द ऑपोजिशन पार्टी, जो इनको इनको पता चल गया होगा, लाइक अबे क्या अबे तेरे जल्दी पलट गए, उनको अगर दिखाए कि विंड चेंज हो रहा है तो वो भी चेंज हो जाएंगे. आइदर दैट और द सेकंड थिंग इज दिस मैन एट दिस पॉइंट इज लिविंग इन अ पैरेलल यूनिवर्स. इतना एक्सट्रीम यू नो डिसोनेंस हो गया ना दिमाग में, कि ही इज लिविंग इन सम आई डोंट नो लाला लैंड, where whatever he says is Momo too, land. Yeah, Momo land. Not racist. No. No, more than Modi, bro. What Momo land? Not racist. मेरे को कोई बोलता मैं, मेरे को कोई बोलता मैं Momo land में रहती हूँ, सब racist होता. उसको तो बोलते हैं Momo land. I like this. We are coining this term. Modi ji lives in Momo land. Momo land. Moving on. Oh God. एक काम जो आपने किया है, जो हम लोग भी बाहर जाते हैं, विदेश दौरा आपका कवर करते हैं, हम लोग अभी यूएस गए थे, तो मन बड़ा गर्व से भर गया कि बाइडेन साहब के व्हाइट हाउस में मोदी मोदी के नारे लग रहे थे. हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि वो भी अंदर सोच रहे होंगे किस मेहमान को बुलाया है कि हमारे घर में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं. तो ये एक सेंस ऑफ प्राइड जो आपने भारतीयों के अंदर भरा, और एक सेंस ऑफ प्राइड आपने हिंदुओं के अंदर भी भरा है, जिनको लगता था कि हिंदुत्व की बात करना कम्युनल होना है, मंदिर जाना कूल नहीं है. ये सेंस ऑफ प्राइड जो आपने भारतीयों में और हिंदुओं में भरा है, क्या ये आपकी आपकी सोच थी कि मुझे ऐसा करना है? सॉरी, ये जो बोला ना अभी कि ये लोग सोच रहे थे कि अरे यहाँ पे भी आके मोदी मोदी कर रहे हैं, आई कैन बेट पीपल वेर क्रिंजिंग, लाइक लिटरली दे मस्ट बी लाइक, ये क्या कौन लोग आ गए यहाँ पे, या व्हाइट हाउस में डिनर चल रहा है ऐसे ब्लैक सूट पहन के, लाइक ऑल लाइक व्हाइट पीपल, ऑल व्हाइट पीपल थिंग्स, यू नो, लाइक व्हिच इज लाइक टाइप डिनर चल रहा है वहां पे, एंड लाइक वेटर खड़े होंगे पीछे ऐसे, लाइक लाइन से, राइट, जो ऐसे सिल्वर प्लेट ला रहे हैं, एंड बाइडेन में से कि किसको बुलाया मैंने, या करेक्ट, वो इस बारे में करेक्ट है, इस बारे में करेक्ट है, बाइडेन सच सोच जरूर है किसको दिमाग में कूल है, क्योंकि वो cool वो भी थे वहां पे देख रहे थे ये, बट उनको लग रहा था कि बहुत cool लग रहा है, बहुत मोदी मोदी कर रहा है, बहुत क्रिंज है फ्रेंड्स, क्रिंज. एनीवे, सी दीस थिंग्स आर रिफ्लेक्टिव ऑफ अ कंट्री सॉफ्ट पावर. फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग पहले देखते थे कि इंदिरा गांधी जब किसी ऐसा वो होता है, वीडियोज होता है ना, वीडियोज होता है कि, या फिर नॉट इवन नॉट जस्ट इंदिरा, इवन मनमोहन सिंह ऑल्सो, व्हेन ही वेंट फॉर दीज events, or when he went for these videsh ka doras and everything, like the he's welcomed by the presidents or the highest authorities of the states at the airport and so on and so forth. This is soft power, or basically soft power. Now protocol bhi hota hai, to bhi maan lo sirf protocol hai. Aur soft power mein hum logo ko pata hai ki the importance of a country in
diplomatic affairs or the power that is lent a diplomatic alliance with another country is what its soft power is, right? Aur us hisab mein, us angle se agar aap dekhe, to there have been reports by independent organization and not Soros funded, jaisa ki in logo ko lagta hai koi bhi independent organization Soros funded ho jayegi, hai na? To there have been reports jisme India ka soft power declined. Sorry, mere check ka wait kar raha hai main, to Soros ke bare mein zyada bol mat tu. मेरे को अभी भी एक्सपेक्टेड है कि सरोज भैया मेरा चैनल देखते हैं वो, राइट? उनका इन्वेस्टमेंट का क्या हो रहा है? बट इन्वेस्ट भाई पैसा ही नहीं दिया मेरे को, इन्वेस्टमेंट किया ना तूने? मैंने दिया, मतलब ये ना इसे मोदी जी जैसे गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात में MOU साइन करके गायब हो जाते हैं ना, MOU की मतलब एक्चुअल में पैसा नहीं आ रहा, सरोज ने मेरे साथ किया है, आई एम अ विक्टिम. Gone. Sorry. Justice for Meghnad. Yes, correct. Okay, so there was this report called the State of Southeast Asia 2024, which was published by this organization called ISEAS, which is Yusuf Ishak Institute, an autonomous research organization set up by the Singaporean Parliament in 1968. Singaporean Parliament ne wo kiya hai, theek hai? It surveyed 2000 respondents from 10 ASEAN countries, Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam, theek hai? And in ASEAN countries mein se, Bharat ke saath relationship या भारत के साथ किसी भी तरीके का स्ट्रेटेजिक अलायंस वाज कंसीडर्ड द लीस्ट रेलेवेंट ऑफ ऑल द आसियान कंट्रीज. दिस रिपोर्ट फाउंड दैट इंडिया के साथ किसी भी तरीके का स्ट्रेटेजिक अलायंस लीस्ट रेलेवेंट है. दिस वाज इन 1968 दो. नो, द 1968 द इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड. द रिपोर्ट published in that, the report published was published this year 2024. It's a very recent report. I'll send it to you. State of Southeast Asia 2024, it is published by the institute ISEAS, which was established by the Singaporean Parliament in 1968. Or isme China is number one, it is above US as well. US ke sath strategic alliance is in number two, China is at number one, or India is the least relevant of all the countries which was which these respondents considered. So that is that. And also recently, just within this week itself, Biden karte rehte na, so Biden ne khud he himself has talked about how India has a xenophobic outlook towards immigrants, calling an entire country xenophobic. Aap kehte ho ki Biden bulata hai aur Biden hum log ko bahut wo karta hai, aur wo video nahi hai jisme ek ladka bolta hai pehle America puchta tha ki tu kya hai, aaj hum puchte tu kaun hai, it's this, like tum puch rahe ho, wo tumko bol raha hai ki tum xenophobic. An entire country ko characterizing our country as xenophobic because of the way we have treated immigrants, because of the way we have CA वगैरह के साथ साथ, NRC वगैरह के साथ साथ, हमारे देश में जिस तरीके से रोहिंग्या को एक आसानी से रोहिंग्या मुसलमान को एक आसान टारगेट बनाया जाता है कि यही क्रिमिनल है, यही एक्टिविटी करते हैं. 2020 के दिल्ली रायट्स के टाइम पे भी रोहिंग्या को भी रिस्पॉन्सिबल कई जगह पे करा गया था. हाउ वी हैव ट्रीटेड आर इमिग्रेंट्स, इट वी हैव बीन लेबल्ड एज xenophobic बाय अमेरिका, अपेरेंटली योर फ्रेंड. बट जो विश्वगुरु का जो ड्रामा कर रहे थे ना, ये लोग, वो भी नहीं चल रहा है इनका भी. मुझे जेन्युइनली नहीं लग रहा है कि वो चल रहा है, बिकॉज कुछ है जो हमको क्लिप्स दिखते हैं कि अरे हमारा सीना चौड़ा हो गया, लाइक अब हम अमेरिका पूछते हैं तू क्या है वगैरह वगैरह. बट ऑनेस्टली आई डोंट रियली टेक दी स्ट्रीट इंटरव्यूज वेरी सीरियसली, बिकॉज आई एम अ पर्सन हु हैज गॉन टू द ग्राउंड एंड आई नो हाउ एडिटिंग वर्क, राइट? मैंने 3 घंटे घूम के मैंने देखा है. मैं आई विल जस्ट टेल द ऑडियंस हाउ स्ट्रीट इंटरव्यूज हैपन. सो यू गो टू लाइक लेट्स से अ विलेज एंड यू आर टॉकिंग, ट्राइंग टू टॉक टू पीपल. एक तो 10 में से 2 लोग बात करने का डिसाइड करेंगे, राइट? तो तुमने 1 घंटा घूम के 10 लोगों में से 2 लोगों से बात किया, राइट? उसमें से द चांस ऑफ द बाइट बीइंग इंटरेस्टिंग और एनीथिंग रेलेवेंट इज वेरी लो. सो यू डू 3 hours, 4 hours ऑफ गोइंग अराउंड व्हाटएवर एंड देन यू पिक द बेस्ट सॉर्ट ऑफ बाइट्स, यू compile them and you put it out on Twitter, right? I don't think it's actually a representative of anything. Usually the loudest are the ones who show up on these to uske basis pe inhone na, like ye chomu log jo idhar baithe hai wo bol rahe hai ki hamara vishwa mein ye chhati phail gaya hai, whatever and tum log jab modi ji jab jate hai idhar udhar, wahan pe tum log ek crowd leke aate ho, ANI bhi ho jata hai, wahan pe pahunch hi jata hai and they like modi airport pe chalu ho jate hai log. Kitne cringe hai re लोग, मैं बोलूं क्या, प्लीज, सो क्रिंज.
यानी आप देखिए चीज में छोड़ता नहीं हूँ, छोड़ते नहीं आपके जो विरोधी वो इसीलिए घबराते भी कि अभी ये निकला है, इन्होंने आगे क्या सोच रखा है। और विरोधी ये भी सोचते हैं कि इतना कॉन्फिडेंस कि 4 जून को यही रिजल्ट आएगा, जरूर ईवीएम में कोई चिप डाला, मोदी चिप ऐसा है, जरूर मोदी जी ने कुछ चिप डाला है, ईवीएम चिप। नाविका ट्राइंग सो हार्ड नो, विरोधियों ने बोला है कि कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है इतना मोदी जी में, लाइक विरोधी। मुझे एक चीज समझ नहीं, मेड्यूसा योर विरोधी, या विरोधी, या योर विरोधी, या डिड नाविका रीड योर माइंड? I have been thinking, कहां से आता है इतना कॉन्फिडेंस, इतना झूठ बोलने का, इतना झूठ भेजी, इतना लाइक ब्लेटेंट व्हाइट लाइज, लाइक आई एम लाइक, मुझे कभी कभी लगता है कि या तो मोदी जी के साथ किसी ने एकदम भयंकर गैसलाइटिंग की है कि भैया यही सच है, जो आप सोच रहे हो वही सच है, आइदर ही हैज लाइक नो आइडिया व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली इन रियलिटी, ठीक है, और लाइक यू सेड कि पैरेलल यूनिवर्स से आए हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, पता ही नहीं है, आई थिंक इनसे होता ही नहीं है, इट्स वेरी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन फ्लो ना, लाइक आई मीन वंस यू आर द प्राइम मिनिस्टर आई फील लाइक यू नो देयर आर सो मेनी layers, there are so many layers between you and the ground that बीच-बीच में इतने layers बन जाते हैं ना, तो filter होते-होते आपको बस अच्छी news ही मिलती है, तो I think he genuinely believes that this is what is happening. I mean, like, उसको उसकी team शायद हो सकता है यही बोले, नहीं नहीं सर, 4 करोड़ लोगों को घर मिल गया है, सर हर जगह जल पहुंच रहा है, हर घर में सिलेंडर है, one thing that I feel like he's definitely getting information for is his internal party surveys. I'm pretty sure कि phase by phase जो पार्टी सर्वे कर रहे हैं उसको उनको तो मिलता होगा राइट, उनके बेसिस पे दे आर मेकिंग डिसीजंस, एंड आई फील लाइक मोदी जी के स्पीचेस उस पे इफेक्ट पड़ता होगा, तो आई डोंट नो लाइक वी आर नोबडी टू प्रेडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बट एट द सेम टाइम डेस्परेशन तो दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, आई मीन आई कैन से दिस दैट इतना डेस्परेशन मैंने पहले नहीं देखा था, 2019 में एक क्वाइट कॉन्फिडेंस था, 2014 में ऑल्सो लाइक ही वॉज कंप्लीटली डेवलपमेंट के बेसिस पे ही वॉज फाइटिंग द इलेक्शन, सो वहां पे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस था, दिस टाइम समथिंग इज एक्सट्रीमली ऑफ, स्पेशली आफ्टर टुडे व्हिच इज दिस अडानी अंबानी अटैक, समथिंग इज डेफिनेटली ऑफ बॉस, आई कांट पिन पॉइंट माय फिंगर ऑन इट बट वी कैन जस्ट थियराइज, ये निकालते हैं इनको, ये तो डरे हुए हैं जी, कुछ लोग होते हैं ना जो दीवार पर उनको थोड़ा सा बहुत दिखता है, किसी उसमें भी भूत दिखता है, सी दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू हिम, दीवार पर ऐसे ही कलर में थोड़ा वो बनाने वाला बेचारा, उसको रात में उसमें वही देखता है, सो नहीं पाता है, वो ऐसे लोग होते हैं, उनका क्या करोगे, इनका मनोवैज्ञानिक, मैं मुझे नए कोर्सेस इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे मनोविज्ञान के लिए, ऐसे लोगों के लिए, वैसे भी द कोर्स ही डिड वाज लाइक अ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एंटायर पॉलिटिकल साइंस कोर्स, तो ही नोस आवर थिंग गॉट टू अबाउट लॉन्चिंग न्यू कोर्सेस एब्सोल्युटली, आल्सो दिस वन थिंग ना, ये जो बोल रहा है ना, क्या नाम है उसका, रिस्पेक्ट ईवीएम के बारे में, ईवीएम एंड वो रिस्पेक्ट मेड्यूसा रिस्पेक्ट उनका, वो जो बोल रहे हैं, सॉरी माय बैड, व्हाट इज दिस, या कार्यक्रम है, आज आपने बहुत बहुत धन्यवाद, पाठशाला में बहुत सारे अध्याय देश के खोल दिए, और न्यूज़ार का भी एजेंडा सेट कर दिया, क्लास भी लगा दी, मुझे उम्मीद है आपको पाठशाला अटेंड करके इतने दिन बाद अच्छा लगा होगा। नहीं नहीं मैं अच्छा है, आपका न्यूज अवर हो, आपका पाठशाला हो, उसने एक अलग लेवल है, मैं मानता हूँ, अलग ये ठीक है, लेवल सबके निकलेंगे, न्यूज अवर में तूतू मैमे वाले लोग भी आते हैं, पाठशाला में अलग से आपने उसको डेवलप किया है, लेकिन आपको भी तो वैरायटी लेके आना पड़ता है जी, वरना तो एक गाड़ी चलती रही है, बिल्कुल, लेकिन आपने ये लगे हाथ झाड़ भी दिया, मतलब लाइक मीडिया को भी झाड़ दिया कि अरे न्यूज़ार में वो तूतू मैमे तो होती है, इन अ इंस्टेंस बिफोर आल्सो ही सेज दिस कि अरे नाविका जी आपके न्यूज़ार पे जो तूतू मैमे करते हैं ना उनको मत लाइए, उनसे मत जानकार विशेषज्ञों को लाइए, विच मीन्स उसके भी स्पोक्स पर्सन कोई जानकार विशेषज्ञ है नहीं, सब तूतू मैमे करने वाले न्यूज़ार पे जा, मतलब वो होता है ना कि ऐसे बच्चों को लाइक व्हेन यू से बाय बाय टू बच्चा, लाइक यू आर लाइक अरे बेटा इधर आ जा, ठीक रहना बेटा, ठीक रहना, बदमाशी मत करना, and you like slap them around, like that's exactly what is doing right now, like. आपने भावुक होकर भी और देश को आगे ले जाने के लिए जो हमें रास्ते, भावुकता तो मेरा पुस्तक बेबाक तरीके से आपने, मुझे सवालों से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत प्रेशर में रहते हैं, ये इकोसिस्टम ने इतना प्रेशर बना दिया, इकोसिस्टम आप लोग प्रेशर में रहते हैं, उनके दबाव में उनकी भाषा में सवाल पूछने पड़ते हैं, और उसके कारण देश के लिए जो जरूरी सवाल होते हैं वो आपके भी छूट जाते हैं, इकोसिस्टम ने इतना दबाव पैदा कर दिया है। वेट, सो द रीजन, नो, वेट, 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 वेट.
इट. सो द रीजन व्हाई मीडिया इज नॉट आस्किंग क्वेश्चंस दैट द देश के जो सवाल है वो पूछ रही है बिकॉज़ वी आर प्रेशराइजिंग देम. लाइक वी सेड दिस इज कॉन्फेशनल. ही इज कन्फेसिंग दैट द इकोसिस्टम इज प्रेशराइजिंग इन द मीडिया. हमने इतना प्रेशर डाला भैया ये मीडिया पे अभी तक. मैंने तो डाला ही है न्यूज लॉन्ड्री में काम करके और अभी भी डाल रहे हैं. भी डाला है वो करने के डिस्पाइट दे नेवर टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट, दे नेवर टॉक अबाउट इन्फ्लेशन, दे नेवर टॉक अबाउट द रियल इश्यूज दैट people are actually facing. They never talked about Pulwama. They never talked about Manipur. कुछ नहीं. मतलब वो तो लोगों के सवाल पूछते नहीं. And now Modi ji is telling them reverse uno ऐसे फेंक के मारा एकदम कि मतलब कि भैया तुम लोग ना इकोसिस्टम की वजह से सवाल नहीं पूछते हो. See parallel universe. Oh God. We are living in a parallel universe. Yes, absolutely. अभी तो कुछ तो हुआ है. मैं बता रही हूँ वो Thanos ने जो वो लेके गया था अंगूठी लेके गया था वो गलत जगह पर जगह प्लेसमेंट हो गया है. हमारा टाइमलाइन बाइफरकेट हो गया है यहाँ से. हम लोग दूसरे टाइमलाइन में. As you said at this point we are living in Momo land. So कि देश के मीडिया को भी न्यूट्रल रहना कितना मुश्किल हो जाएगा. और या तो उनकी भाषा बोलो या तो घर चले जाओ. उनकी भाषा बोलो गली की चुनो. ये हाल करके रख दिया है आपके पूरे क्षेत्र में. और दूसरा देश में पहले पत्रकारिता अखबार आता था वो मानता है पत्रकार उसकी एक वैल्यू थी. अच्छा आज सोशल मीडिया से सभी पत्रकार उसको वो जानता है कि ये वो व्यक्ति लिख रहा है. मतलब फिर उसको लेख नहीं दिखता है उसका ट्विटर याद रहता है उसकी तो ये सोचे थे लिखेगा तो वैल्यू खत्म हो गई. वैल्यू खत्म हो गई. हम कोशिश कर रहे हैं ये वैल्यू सिस्टम रहे क्योंकि ये ना मतलब तुम कोशिश कर रही हो. कर रही है. अरे कर रही है. दिख नहीं रहा है कि तुझे कितना कोशिश कर रहे. लाइक दिख रहा है ना. व्हाट इज दिस इतना बड़ा रिएक्ट किया और आपकी आपने आप उनके कोशिश पे सवाल उठा रहे हो. 30 साल पत्रकारिता में हर फेज देखा है. फिर भी मैं बताता हूँ आप दबाव में जी रहे हैं. आप भी दबाव में जी रहे हैं. दबाव में जी रहे हैं. उसमें आपका कोई दोष नहीं है. दबाव में जी रहे हैं. सारा दोष तो हमारा है. दोष खुद का है उसका. वही तो बोल रही हूँ. उसे देर से सब टेक्स्ट सारा दोष आप ही दबाव में जी रहे हैं. जैसे कि मैं मेरे दबाव में. आपका कोई दोष नहीं है. मेरा दोष है. मुझे इस एपिसोड का टाइटल मिल गया. मोदी जी इज कन्फेशनल वीडियो फीट नाविका कुमार. It is. He is confessing to all of his sins. Like इसको क्या किस मुसलमानों के डर फैलाने का माहौल. डर फैलाया है माहौल में. ठीक है. इन लोगों ने डर फैलाया माहौल में. फिर मिसइंटरप्रेट किया है चीजों को. ठीक है. मैंने कभी तानाशाही नहीं करी है. इन लोगों ने करी है. अभी ये वाला अभी जो बोला कि मीडिया को बहुत ज्यादा प्रेशर है. My God. But yeah, I think that is about it for this video, Dr. Medusa. That was an interesting episode of Meghnad Reacts. As usual. मैं पूरा घूम गई अपनी जगह में. I am like my initial position and my final position are completely different. I can see. मैंने मेरे को पता था. Guys, guys, whoever is watching this, listen. Before we started this reaction video, मैंने इसको देख के बोला कि थोड़ा headroom रखना. थोड़े से आगे पीछे आके देख ले तो कितना इधर उधर जाने वाली है ताकि मुझे एडिट करने में इजी हो. And throughout the video, she's going ऐसे and ऐसे and ऐसे घूम गई कभी and इधर से and then कुत्ता आया तो साइड में चिल्ला रही है. फन मेरा एडिट. थैंक यू. बहुत फन होने वाला है. थैंक यू डॉक्टर मेडुसा फॉर दिस अमेजिंग रिएक्शन वीडियो. ओके ओके ओके. आई नीडेड दिस. आज तो यार बहुत हो गया यार. आज तो बहुत सारी चीजें सोचने के लिए. बहुत सोचने के लिए. लाइफ ही सोचने के लिए. थैंक यू सो मच. एंड थैंक यू सो मच गाइस. मैं ना एक एग्जिट कर लेता हूँ. रुक जा. थैंक यू सो मच फॉर. रुक ना बे. Thank you so much for watching this video, guys. Thank you. This was our reaction video, the second one with Dr. Medusa. If you like this, please do consider liking, subscribing, sharing, doing whatever. एक fun statistic मैं दे देता हूँ कि अभी हमने जो video देखा था until like a few hours ago, Times Now के channel पे this has 51,000 views एक दिन में. Okay? The last reaction video that me and Dr. Medusa did, it had 51,000 views in 2 days. So there is a chance.
chance that this video might become more popular than Modi ji's interview on Times Now. You make it happen. I want to see you make it happen. Also, you have 45,000 subscribers. Yes. And they have 1.5 million. They have 5 million. तो नहीं ऐसे ऐसे ऐसी वो एल्गोरिदम पे को ब्लेम करेंगे बट मेड्यूसा रुक जा मेरे को कंप्लीट कर दे चुप रे प्लीज गाइज दिस इज अप टू यू प्लीज शेयर दिस वाइडली वॉच दिस होल थिंग एंड मेक इट हैपन वी नीड टू बीट नाविका कुमार एंड ब्लैकबोर्ड सिन्हा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय